वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है। ज्यादातर देशों ने लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है। जब तक कोरोना की दवा नहीं मिल जाती है, तब तक ऐसी ही पाबंदियां लागू रहने की उम्मीद है। कोरोना वायरस महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और इसके समाधान के लिए कोरोना वैक्सीन या अन्य दवा को ईजाद करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस समय 100 से भी ज्यादा वैक्सीन पर दुनिया भर के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इनमें 9 वैक्सीन के इंसान पर क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता वैश्विक महामारी को हराने के लिए वैक्सीन बनाने और कारगर इलाज ढूंढने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सरकारें भी वैक्सीन बनाने के काम में जुटी कंपनियों को ज्यादातर मंजूरियां फास्ट ट्रैक अंदाज में दे रही हैं। वैज्ञानिक शोधकर्ता वैक्सीन निर्माता कंपनियां एक दूसरे का हर संभव सहयोग कर रही हैं, ताकि जल्द से जल्द कोरोना वायरस से निपटने की व्यवस्था की जा सके। कुल मिलाकर वैक्सीन बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिर भी तैयार होने वाली वैक्सीन को लोगों तक पहुंचने में अच्छा खासा समय लग जाएगा। हालांकि दुनिया के वैज्ञानिक जहां वैक्सीन बनने के समय को लंबा बता रहे हैं, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसा दावा कर दिया जिससे पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरोना वैक्सीन बना लेने का दावा किया है। इतना ही नहीं, वो इसके 20 लाख डोज तैयार भी कर चुके हैं। दोस्तों, यूं तो पहले भी कई देश वैक्सीन को बनाने का दावा कर चुके हैं, लेकिन ये दावे अब तक जमीन पर नहीं उतरे हैं और अब अमेरिकी राष्ट्रपति भी कुछ इसी तरह का दावा कर रही है। क्या अमेरिका ने बना ली कोरोना वायरस की वैक्सीन? ट्रंप ने किया वैक्सीन के डोज तैयार करने का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनके देश को कोरोना की वैक्सीन बनाने की दिशा में जबरदस्त कामयाबी मिल रही है। अमेरिका ने 20 लाख वैक्सीन बना ली है। इनके सुरक्षित होने के बाद सुनिश्चित होते ही इनका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। ट्रंप का ये दावा उन देशों के लिए वरदान साबित होगा जो इस वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन देशों में कोरोना अब हजारों लोगों की जान ले चुका है। खुद अमेरिका भी इस बीमारी से बर्बाद हो गया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस वैक्सीन पर एक बैठक हुई थी और हम अविश्वसनीय रूप से अच्छा कर रहे हैं। हमें कुछ बहुत ही सकारात्मक आश्चर्य देखने को मिल सकते हैं। वैक्सीन को लेकर बहुत प्रगति हो रही है। साथ ही ट्रंप ने दावा किया कि अगर ये वैक्सीन सुरक्षा जांच को पूरा कर लेते हैं तो हमारे पास 2 मिलियन से ज़्यादा डोज तैयार हैं और हम इसके परिवहन और लॉजिस्टिक के लिए तैयार हैं। हालांकि ट्रंप ने वैक्सीन के नाम का खुलासा नहीं किया। वैसे अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए कई वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और इसके तीसरे चरण में पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। रेमडेसिविर नाम की ये दवा कंपनी ग्लीड साइंसेज ने बनाई है और डॉक्टर्स की एक टीम इसके क्लिनिकल ट्रायल पर नजर रख रही है। एक तरफ तो ट्रंप जल्द ही वैक्सीन बनने का दावा कर रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि कोविड-19 के लिए टीका इस साल के अंत तक उपलब्ध हो जाएगा। ट्रंप ने ये भी कहा था कि अमेरिकी सरकार रेमडेसिविर दवा के पीछे अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इस दवा ने कोरोना वायरस के कारण होने वाली बीमारी के इलाज में अच्छे नतीजे दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप रेमडेसिविर दवा के ही 2 मिलियन डोज तैयार करने की बात कह रहे थे, क्योंकि अमेरिका में इस दवा पर तेजी से काम चल रहा था और क्लिनिकल ट्रायल में इसके अच्छे नतीजे भी थे। इसी तरह अमेरिका की एक और कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। एली लिली कंपनी ने किया वैक्सीन बनाने का दावा। अमेरिका की एली लिली कंपनी ने भी एक राहत भरी खबर दी है। कंपनी के मुताबिक उन्होंने ठीक हुए मरीजों की एंटीबॉडी से कोरोना की दवा तैयार कर ली है। कंपनी ने कोरोना की दवा का नाम LYCOV-555 रखा है। इस दवा को ठीक हो चुके मरीजों की एंटीबॉडी से तैयार किया गया है। कंपनी के मुताबिक इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना इंसानों के स्वस्थ कोशिकाओं में नहीं पहुँच पाएगा, जिस वजह से उनको नुकसान भी नहीं होगा। इस कंपनी ने मार्च में एक करार के बाद कोरोना से ठीक हुए लोगों के सैंपल लेना शुरू किए थे। प्रोजेक्ट में सबसे पहले मरीजों का खून लिया गया था, उसके बाद उसमें एंटीबॉडी अलग की गई थी, फिर उसी के आधार पर यह दवा बनाई गई। इस काम में लिली कंपनी के साथ सेलेरा बायोलॉजी कंपनी की भी साझेदारी है। हालांकि दावे तो दुनिया की बहुत सी कंपनियां कर रही हैं, लेकिन अभी तक किसी की भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। अमेरिका के इस नए दावे के बाद अब दुनिया को वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है।
हालांकि अमेरिका चीन के साथ भी मिलकर कोरोना वायरस की वैक्सीन पर काम कर रहा है। सही सुना आपने, कोरोना को लेकर अमेरिका चाइना में चाहे जितनी तल्खी चल रही हो, लेकिन इस बीमारी का इलाज खोजने के लिए अमेरिका और चीन दोनों एक वैक्सीन पर साथ में काम कर रहे हैं। इसकी जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के कारण दुनिया के 186 देश प्रभावित हैं। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर हम पूरी दुनिया के साथ काम कर रहे हैं। हम चीन के साथ भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। फिलहाल दुनिया कोरोना से कराह रही है और इस दर्द को दूर करने के लिए वैक्सीन की जरूरत है, जिसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है ताकि कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सके। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का भारत में उत्पादन शुरू। ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार कोरोना वायरस वैक्सीन की लाखों डोज का निर्माण शुरू कर दिया गया है। कंपनी ने बताया कि ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे के साथ साथ भारत में भी वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने AZD1222 नाम से कोरोना की वैक्सीन तैयार की है। शुरुआती ट्रायल में वैक्सीन का रिजल्ट अच्छा रहा है और अगले राउंड का ट्रायल अभी जारी है। एस्ट्राजेनेका के CEO पैस्कल सोविएट ने रिजल्ट आने के समय हमारे पास वैक्सीन तैयार होंगी ये दावा किया। हालांकि इसमें रिस्क भी है कि वैक्सीन काम नहीं करता है तो ये बेकार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कंपनी वैक्सीन के निर्माण से लाभ नहीं कमाएगी जब तक WHO महामारी खत्म होने का ऐलान नहीं करता। पैस्कल सोरियट ने कहा कि उन्होंने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट से 1 अरब वैक्सीन की डोज के उत्पादन के लिए करार किया है। 2021 तक 1 अरब वैक्सीन की डोज तैयार करने का लक्ष्य है। वहीं 2020 के अंत तक 40 करोड़ डोज तैयार हो सकती है।